रूसी सैनिक यूक्रेन के इलाकों को लगातार नेस्तनाबूद कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रमुख शहर कीव, खारकीव में भारत के तमाम स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स ने दैनिक भास्कर रिपोर्टर नीलेंद्र पटेल से बात करते हुए वहां के हालात बयां किए। यहाँ पे कर्फ्यू का टाइम होता है सर, कि सुबह से लगा देते हैं और शाम के टाइम में लगाते हैं, और हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है कि हम उसमें जाएं और हम अपना कुछ काम है या खाने पीने का सामान है हम वो लेकर आए। अच्छा, और अभी हम लोग कितने बजे से कर्फ्यू लगा दे रहे हैं? 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। शाम 5 बजे से? जी, क्योंकि रात को ही जो हो रहे हैं मैक्सिमम अटैक जो हो रहे हैं रात को, रात का टाइम हो रहे हैं। शाम 5 बजे से कब तक लगा रहता है? देखिए 8 बजे तक। जी, 1-2 घंटे के लिए टाइम मिल रहा बस। उसके बाद दिन में हम लोग को फिर थोड़ा सा कर्फ्यू का समय आएगा और 2-3 घंटे का हमें समय दिया जाएगा कि आप इसमें जाएं और सामान लेकर आएं जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि पानी और खाना। सर, एक्चुअल में हमारा जो मेन मोटिव है आज, वो हमें एम्बेसी तक एक न्यूज भेजानी है कि एम्बेसी ने एवैक्यूएशन स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो मेन टारगेट एरिया है, जैसे कि कीव हो गया और खारकीव हो गए हैं, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हमारे पास अभी खबरें भी नहीं आई है कि हमारा कब से स्टार्ट होगा। ये जो बच्चे यहाँ पे फंसे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, आई थिंक 3,000 or 4,000 स्टूडेंट तो अभी कीव में होंगे, खारकीव में भी इतने स्टूडेंट होंगे। बच्चे इंडियन एम्बेसी जाते हैं, वहां पे बच्चे रुके हुए हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी से भी कोई उनके पास आंसर नहीं है कि आप कहाँ पे जाओ, कैसे करो, खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे। यहाँ पे भी चीजें दिन पे दिन खराब ही हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें आज खाने का है तो हमें कल का पक्का ही है कि हमारे पास चीजें हैं, अब ऐसा नहीं है। तो हम इंडियन एम्बेसी से ये बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे कीव और खारकीव में हैं, आप उनके लिए भी देखिए, हमें भी थोड़े एडवाइजरी जारी कीजिए कि हम क्या करें, क्योंकि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें पोलैंड के रास्ते जाना पड़ेगा या फिर किसी और कंट्री के रास्ते। तो हम अभी कीव में हैं तो ये पोलैंड का रास्ता ही हमारे यहाँ से 9 घंटे का है, तो उसके लिए हमें बाय बस या बाय ट्रेन आना पड़ेगा या फिर कोई और वो हमारे लिए अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम यहाँ से पोलैंड कैसे जाएं, अभी हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, कीव और खारकीव में कोई व्यवस्था नहीं है ट्रेवल्स की? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपने रिस्क पे जा रहे हैं, कुछ कैब करके जा रहे हैं, कुछ बसों से जा रहे हैं, लेकिन बाहर रशियन घूम रहे हैं, उनने किसी की बस को अगर उड़ा दिया या किसी में भी कुछ कर दिया तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी। इंडियन एम्बेसी में बच्चे बैठे हैं, वहां पे एम्बेसी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि आपका आगे क्या होगा, आपको कब तक भेजा जाएगा या क्या कुछ होगा सरकार, क्योंकि उन्हें कोई भी अभी हमारे लिए व्यवस्था नहीं की है कि हम अपने कीव या खारकीव जैसी जगहों से बॉर्डर्स तक पहुंचे। ना ही कोई बस का अरेंजमेंट है, ना ही कोई ट्रेन का अरेंजमेंट है, और अभी ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ से सब मना कर रहे हैं कि आप बाहर सामान लेने भी मत जाइए, क्योंकि कहीं पे भी ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पे भी मिसाइलें गिर रही हैं। ये आप लोग कहाँ है अभी, खारकीव में की कीव में? हम अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है, स्ट्रीट 124। हम यहाँ पर ये हॉस्टल है इंडियन हॉस्टल यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर करीबन 300 इंडियन 300 इंडियंस यहाँ पर है, मतलब ये रह रहे हैं। ये कीव में आता है? जी, ये कैपिटल में। पहले हम लोग सर मेट्रो में थे, अंडरग्राउंड, हमने बताया, हमने 2 रातें वहाँ पे निकाली हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। हालांकि अभी तक भारतीयों के साथ किसी तरह की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं और भारत सरकार से वापस लाने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।